हॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन अक्सर ट्रॉलर्स के निशाने पर आते रहते हैं। इस समय काफी बिजी शेड्यूल में काम कर रहे अभिषेक को काम के साथ साथ ट्रॉलर्स का भी सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों अभिषेक बच्चन अपनी अपकमिंग फिल्म लूडो के प्रमोशन में बिजी हैं। उनकी फिल्म दिवाली के मौके पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। इस सब के बीच भी वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। ट्विटर पर एक यूजर ने न्यूज एजेंसी की एक फोटो का इस्तेमाल करते हुए अभिषेक बच्चन को ट्रॉल करने की कोशिश की। इस यूजर ने अपने ट्वीट में एक किसान का फोटो शेयर किया। किसान के बैकग्राउंड में पराली जलाई जा रही है। फोटो में दिखने वाले व्यक्ति की शक्ल कुछ हद तक अभिषेक बच्चन से मिलती जुलती है। ऐसे में यूजर ने शेयर करते हुए लिखा, अगर अभिषेक बच्चन नहीं होते। अभिषेक बच्चन ने इस ट्वीट पर तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने यूजर के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, हा 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 फनी, लेकिन फिर भी तुमसे तो अच्छा ही दिखता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब अभिषेक बच्चन ने किसी ट्रॉल को करारा जवाब दिया हो। वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। नेपोटिज्म के नाम पर एक यूजर ने पहले भी उन्हें ट्रॉल करने की कोशिश की थी। तब एक्टर ने बड़ा मजेदार जवाब दिया था। पहले अमित शुक्ला नाम के एक यूजर ने लिखा, आपको नहीं लगता आपको फिल्मों में काम सिर्फ अमिताभ बच्चन के बेटे होने की वजह से मिलता है। यूजर के इस ट्वीट पर अभिषेक बच्चन ने करारा जवाब दिया। अभिषेक बच्चन ने लिखा कि काश जो आप कह रहे हैं ये सच होता, सोचिए कितना काम मिलता मुझे। बता दें कि अभिषेक बच्चन फिल्म लूडो में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उनके साथ राजकुमार राव, आदित्य राय कपूर, पंकज त्रिपाठी, सानिया मल्होत्रा संग उनके साथ कई एक्टर्स दिखाई देंगे। लूडो को डायरेक्ट अनुराग बासु ने किया है। वहीं फिल्म बिग बुल और बॉस बिस्वास में भी अभिषेक मुख्य भूमिका में दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा वेब सीरीज ब्रिज का थर्ड सीजन का भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़।